बांदा मंडल के चारों जिलों में स्थायी और अस्थायी 670 गौशालाओं में 2,17,000 से ज्यादा अन्य पशु हैं, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निरीक्षण के लिए तिंदवारी के कान्हा पशु आश्रय केंद्र की किस्मत रातों रात बदल गई। यहां बंद 227 अन्य गायों को नगर पंचायत कर्मियों ने साबुन से नहलाकर धुलाकर चकाचक कर दिया। अब तक भूख से जूझ रही गायों के आगे शायद आज की सुबह अच्छी श्रेणी का भूसा और लगभग 17 बोरी पशु आहार परोसा जाएगा। शायद लंबे अरसे के बाद गायों को पौष्टिक खाना मिला होगा, वरना परनियों से ही इनको काम चलाना पड़ता था। आश्रय केंद्र का पूरा परिसर साफ सुथरा किया गया, दीवारों पर रंग रोगन कर पशुओं के चित्र बनाए गए। जो गाय बीमार नजर आई उनका तत्काल पशु चिकित्सा अधिकारी ने इलाज किया। पड़ोसी गाँव से कई ट्रॉली अच्छे भूसा मंगवाए गए। रोजाना अंधेरे में डूबे रहने वाले आश्रय केंद्र सीएफएल लाइटों से चकाचौंध हो गया। कमिश्नर शरद कुमार सिंह और डीआईजी दीपक कुमार ने कान्हा पशु आश्रय केंद्र सहित थाना और पीएचसी का जायजा लिया। एसपी गणेश प्रसाद साहा ने भी यहां आकर पूरी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार की दोपहर कान्हा पशु आश्रय केंद्र का निरीक्षण किए। इसके अलावा मुख्यमंत्री तिंदवारी थाना पीएचसी और ब्लॉक कार्यालय का भी निरीक्षण करेंगे। इन सभी की भी सूरत बदल गई। पीएचसी में सारी दवाएं उपलब्ध कर दी गई। थाने में इंस्पेक्टर नीरज कुमार सिंह की देखरेख में सफाई, रंग रोगन और साज सज्जा का काम चलता रहा। विकास की लहर दर्शाने वाले आंकड़ों से फाइलें सज गई हैं और रंग रोगन से निरीक्षण स्थल की काया पलट हो गई है। ऐसे में पूरे आसार हैं कि रविवार को मात्र 3 घंटे के लिए भ्रमण पर आ रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सब कुछ ठीक नजर आएगा। ऐसा संभव करने के लिए पूरे प्रशासन ने ताकत झोंक दी। रातों रात कृषि विश्वविद्यालय तिंदवारी में गौशाला, थाना, पीएससी और क्षेत्र पंचायत कार्यालय के नजारे बदल गए। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसके पहले 3 बार चित्रकूट धाम मंडल के विकास कार्यों व कानून व्यवस्था की समीक्षा कर चुके हैं। उनकी समीक्षा बैठक चित्रकूट और बांदा में हुई। बांदा में दूसरी बार मंडल स्तरीय समीक्षा बैठने होने जा रही है। अधिकारियों व कर्मचारियों को मुख्यमंत्री की पिछली बैठकों से काफी सबक मिल चुकी है। शायद यही वजह है कि अब एक बार फिर उनकी आमद को लेकर तैयारियां तो है, पर अधिकारियों और कर्मचारियों के चेहरे पर बहुत ज्यादा चिंता या परेशानी नजर नहीं आ रही। उन्हें भरोसा है कि पिछली बैठकों की तरह यह भी ठीक ठाक और खैरियत से निपट जाएगा।